नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बाड़मेर की रूमा देवी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति में भी रूमा देवी शिरकत कर चुकी है। यहाँ इन्होंने 12 सवालों का सटीक जवाब देकर 12.5 लाख रुपए जीते और इसके अलावा 2018 में देश के सर्वोच्च सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो चुकी है। और अगर इनका दूसरा पहलू देखें तो इन्होंने बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर की 22,000 महिलाओं की जिंदगी बदल दी। हुनर तो कई लोगों में होता है लेकिन इसके साथ हौसला हो तो मुकाम तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बाड़मेर की रूमा देवी जी ने। इनके जीवन की शुरुआत संघर्षों भरी रही, ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाई, कसीदाकारी सीखी वो काम आई और साथ में हौसला रखा तो बाड़मेर के छोटे से गाँव से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देकर महिलाओं के लिए एक स्तंभ के रूप में पहचान बन गई। कसीदे से शुरुआत करने वाली रूमा देवी बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ देश विदेश में फैशन शो कर चुकी है। जब वह मात्र 5 साल की थी तब उनकी मां की मौत हो गई थी। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें उनके चाचा के पास में छोड़ दिया। वह कक्षा 8वीं में थी तभी उनकी पढ़ाई छुड़वाकर घर के कामों में लगा दिया गया। वह लगभग 10 किलोमीटर दूर से पानी भरकर बैलगाड़ी से लाती थी। वह 17 साल की हुई कि उनकी शादी कर दी गई। यहाँ एक घटना ने रूमा देवी के जीवन को बदल दिया। पैसे के अभाव में इलाज नहीं मिलने पर 1.5 साल के बेटे को खोने के गम ने रूमा देवी को एक तरफ तोड़ दिया तो दूसरी तरफ कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। बचपन में दादी से सीखी कसीदाकारी के काम की शुरुआत की और दीप देवल नामक स्वयं सहायता समूह का गठन कर कसीदाकारी कार्य शुरू किया ताकि परिवार में कुछ आमदनी हो सके। इस आय से छोटी छोटी बचत कर एक सिलाई मशीन खरीदी एवं स्थानीय व्यापारियों के लिए हस्तशिल्प के बैग्स, कुशन कवर आदि उत्पाद बनाना शुरू किए जहाँ कीमत भी मिली और सफलता भी। तो आइए थोड़ी नज़र डालते हैं रूमा देवी की निजी जिंदगी पर। बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो पूरा देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।